आपकी नसबंदी की प्रॉब्लम के बारे में एक छोटा सा न्यूज पीस तुम्हें रातों रात लखपति बना सकता है। आपको क्या लगता है कि चंद रुपयों के लिए हम अपनी इज्जत आबरू का सरेआम सौदा कर लेंगे? लेकिन अगर बात 25 लाख रुपयों की हो तो ये चल क्या रहा है? अब हम बहुत खुश हैं। इतने खुश क्यों? अरे उचित समय आने पर आपको बता देंगे। ऐसी क्या खुशखबरी हो सकती है जो सही वक्त आने पर ही बताएगा? न जाने कहा होगा जब कल पैसे मिल जाएंगे और हीरा जी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। एक आखिरी बार साथ में रसोई करने का सुख आपसे कैसे छीन रहे हो? कल से हीरावती जी आपको हंसाने के लिए यहाँ होगी भी नहीं। अखिलेश, ये तुम बिस्तर क्यों बना रहे हो? ये तो मैं बनाती हूँ ना। अरे ये में कौन सी बड़ी बात है, आपके आने से पहले तो हम अपना काम खुद ही किया करते थे। ये घर का काम करने की हमका आदत है। आप समय से दवाई लीजिएगा और खजूर खाना नहीं भूलिएगा, ठीक है? अखिलेश, पता नहीं क्यों तुम बदले बदले से नजर आ रहे हो। तुम्हारा बिहेवियर ना सीरियसली मेरे समझ में नहीं आ रहा। कब कब हंसते हो, कब कब गुस्सा होते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो क्या रहा है? कहीं तुम ये सब इसलिए नहीं कर रहे ताकि तुम मुझे स्कॉलरशिप ठुकराने के लिए गिल्टी फील करवाना चाहते हो? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका हमारे दुश्मन है जो इस प्रकार कठोर व्यवहार करेंगे हम? दुश्मन नहीं हूँ ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन वो जानना चाहती हम इतने खुश काहे थे नीचे? हमारी सारी परेशानियों का उपाय मिल गया हमका। उपाय मिल गया और क्या, कैसा उपाय और कौन सी परेशानियों की बात कर रहे हो तुम? अरे हम आपको केवल ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि आपके विदेश जाने का और हमारी नसबंदी पलटने के ऑपरेशन के लिए जो पैसों की जरूरत है ना, उनका प्रबंध हो गया है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? सच कह रहे हैं हम। पैसों का इंतजाम हो गया मतलब? अखिलेश, हॉपकिंस मेडिकल स्कूल की फीस 12 लाख है, 12 लाख और तुम्हारी सर्जरी के भी कम पैसे नहीं है। कहां से हुआ इंतजाम, कैसे हुआ? अच्छा हम कहीं बताइए जी, हॉपकिंस कॉलेज है ये कहां पड़ती है? ये अमेरिका में है या न्यूयॉर्क में? अखिलेश मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नहीं मानेंगे ना, बेकार में परेशान हो रही है राजी, यहाँ बैठिए। आप कहा है कि बनारस में हमारे नाम की जमीन का एक टुकड़ा था, अब उसकी देख रेख करने वाला कोई था नहीं, वो बेकार में पड़ी थी तो उसका सौदा कर दिया हमने। क्या हुआ साहब, सुन लिया का? क्या तुमने पुष्पा आंटी को इस बारे में बताया? अरे नहीं अब तक नहीं बताया, लेकिन आप काहे परेशान हो रही है? एक बार हमारी नसबंदी पलटने का ऑपरेशन हो जाए ना, फिर अम्मा को हम सच बता देंगे। अखिलेश तुम इतना बड़ा डिसीजन पुष्पा आंटी से बगैर पूछे कैसे ले सकते हो? राजी आप ही बातों में काहे उलझ रही है? अरे आपको तो ये बात की खुशी होनी चाहिए कि आज की रात ये घर में आपकी आखिरी रात है। हाँ, कल से आप अपने ही घर में अपने कमरे में सोएंगी। इतने जल्दी? हाँ इतनी जल्दी। हीरा जी कल से हम दोनों को ये बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। कितने दिनों से हमें एक पल का इंतजार था ना, अब आपको साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं, ना ही पल्लू डालने की जरूरत है और ना ही रोटियां बेलने की जरूरत है। लेकिन हाँ अपने घर में पल्लव चाचा के लिए पराठे जरूर बनाइएगा, वो खुश हो जाएंगे। क्या तुम खुश हो? अरे हम बहुत खुश हैं। ये देखिए ना हमारा हंसता हुआ चेहरा, कल से बिस्तर पर हम फैल के सोएंगे बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह। और ये जो हमारी अलमारी है ना, इसमें कोनू महिलाओं की चीज नहीं होगी जेके देखे हम शरमाया करते थे। और सवेरे सवेरे ये यमदूत की घंटी की तरह कोनू अलार्म भी नहीं बजेगा।
और पता है सबसे खुशी की बात क्या है, कल से हमका कोनो हानि नहीं पहुंचाएगा। हमारी हानि के दिन समाप्त हो गए राजी, और कल होगा हमारा स्वतंत्रता दिवस। अब तो फिर हमका वो दीजिए जो वो आप अम्मा को देती है, वो क्या कहते हैं, हाई फाई। आज हीरावती बनने का आखिरी दिन है, कल से मैं सिर्फ ईरा कहलाऊंगी, डॉक्टर ईरा देसाई। सही कहा तुमने, ये तो बहुत खुशी की बात है, है ना? टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी इज्जत पे हमला नहीं करूंगी। आजादी मुबारक हो मेरा जी, हमरा ही दिखावे का रिश्ता आज समाप्त हो जाएगा। देखा अखिलेश, इस झूठे रिश्ते को निभाते निभाते झूठ मूठ मुस्कुराना भी सीख गई मैं। लेकिन न जाने कहा है, मन में कछु खाली सा लग रहा है। आई नो, मुझे खुश होना चाहिए कि मेरी जिंदगी वापस पहले जैसे होने जा रही है। पता नहीं क्यों खुशी वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। आप बस यूं ही हमेशा मुस्कुराती रहिएगा। मैं हाथ धो के आती हूं। ये क्या है? आइसक्रीम। हमने सोचा कि आखिरी बार आपके साथ हम आइसक्रीम खा लें। आपकी आपकी मनपसंद की है वनीला? नहीं, मेरा फेवरेट तो वनीला है। हाँ तो हम वही तो कह रहे हैं, वही तो है वनीला। अरे नहीं नहीं, मेरा फेवरेट वनीला है। हाँ तो हम कब से वनीला ही तो कह रहे हैं। अंग्रेजी की चिकाई ले रही है। लाओ।
हेलो नारी मुक्ति केंद्र, देखिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी एक रिलेटिव है जो बहुत तकलीफ में है। हाँ, उसके पति ने उससे धोखे से शादी की। शादी के पहले बताया नहीं कि उसकी नसबंदी हो चुकी है, और अब ताकि वो लड़की अपना मुंह ना खोले, दोनों सास और पति मिलकर बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। बहुत तकलीफ में है वो लड़की, प्लीज प्लीज उसकी मदद कीजिए। हाँ हाँ, एड्रेस है देवीना मैंशन, 12 गुलमोहर रोड, जुहू। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ तो ये था आपका जीनियस प्लान मॉम। एक तरफ अखिलेश पैसों के लिए मीडिया के सामने ये बात कबूल करेगा, और दूसरी तरफ नारी मुक्ति वाले आएंगे। इंटरेस्टिंग। और मॉम ईरावती का क्या करेंगे? क्या करना है ईरावती का? मॉम वो जूनियर गांव वाली सबको बता देगी कि उसके साथ कोई धोखा हुआ ही नहीं है। लाइक सीरियसली सिड, तुम्हें रियली लगता है कि ग्लू बेटा ईरावती के सामने मीडिया से बात करेगा? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमें भी घर से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ग्लू बेटा कॉन्शियस होकर कुछ नहीं बोल पाया तो हमारा प्लान फ्लॉप हो सकता है। गुड आइडिया मॉम, डन डन। अखिलेश, तुम्हें याद है ना कि आज तुम्हें इंटरव्यू देना है? आई होप कि तुमने अपना इरादा बदला तो नहीं होगा। हमने अपना इरादा नहीं बदला है साक्षी जी। आपको आपका वचन याद है ना? 25 लाख रुपए आपको देने हम कहा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तो तुम तैयार है ना? मैं अपने क्रू को लेकर 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। ठीक है, 1 घंटे में साक्षी जी आ रही है। हमका कैसे भी करके हीरा जी को घर से निकालना होगा, वरना इंटरव्यू नहीं देने देंगे। हाँ अखिलेश भैया। देखिए भाभी, वो इरा जी का हॉस्पिटल लेकर जाना है जांच के लिए। हम अपने काम से थोड़े व्यस्त थे, तुम उनका हॉस्पिटल लेकर जा सकते हो क्या? ठीक है भैया, मैं चेकअप के बाद इरा को घर छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं भाभी, तुमका यहाँ इरा जी को वापस लेकर आने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब? इरा जी की पढ़ाई के लिए और हमारी नसबंदी के लिए जो पैसों की जरूरत थी ना, उसका इंतजाम हो गया है। लेकिन अखिलेश भैया। अरे लेकिन बेकिन कछु नहीं भाभी, मतलब चाचा ने हमसे विनती की थी कि हीरा जी को ही झमेले से हम मुक्त कर दें, तो अब जो होने जा रहे हो बिल्कुल ठीक है, और हम मतलब चाचा की बात से सहमत है। तुम यहाँ और तुम हीरा जी को आकर यहाँ से लेकर जाओ, उनका सामान हम बांध कर रखेंगे। ठीक है, हम फोन रखते हैं। जी भाभी आपको लेने आ रहा है, आप उनके साथ अस्पताल जाके डॉक्टर से जांच करवा लीजिएगा, और फिर उनके बाद आपको है ना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने घर जा सकती हैं। हम मामा से कह देंगे कि आपके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको घर जाना पड़ा। ठीक है, बक्से में आपका सामान है और द्वार के आगे आपकी मुक्ति, अब आप आ जाते हैं। इतनी जल्दी क्या है मैम, शाम को चली जाऊंगी। साक्षी जी के आने से पहले ईरा जी को किसी भी हालत में यहाँ से जाना होगा। शाम तक रुकने की क्या जरूरत है आपको? आप जितनी जल्दी जाएगी आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकती है ना। अखिलेश मैम, कुछ देर मोटी बाप मेरा मतलब है पुष्पांडी के साथ बिता देती तो पता नहीं फिर उनसे कब मुलाकात होगी। अरे ओकी कोनो जरूरत नहीं है राजी। देखिए ये घर में आपका जितना काम था ना वो समाप्त हो गया, अब मेहरबानी करके आप अपने रास्ते जाइए और हमका अपने रास्ते जाने दीजिए। ठीक है, तुम इतना इनसेंसिटिव क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप बेफिजूल की जिद पकड़ के बैठी है। क्या करेंगी आप अम्मा के साथ समय बिताकर? झूठी दुल्हन होने का आश्वासन ही दिलाएंगे ना आपका, और फिर कभी ना कभी तो आपको जाना ही है ना। अरे आप खुश काय नहीं हो रही है कि जो काम 6 महीने में होने वाला था वो इतना जल्दी हो रहा है? आप अम्मा के साथ समय बिताएगी, उनके प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा और हमरा भी।
तुम्हारा भी? हमारा भी सिर दर्द बढ़ेगा। देखिए हमका ये बात की खुशी है कि जो काम 6 महीने में समाप्त होने वाला था वो 2 महीने में समाप्त हो रहा है। अब आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम, भाभी का आपको लेने आ रहे हैं, आपके साथ अपने घर चली जाइए, ठीक है? हम आपके सामान बांध रहे हैं। आप अपने कान में लगाइए जरा जरा, हम दिल की धड़कने सुनने की कोशिश कीजिए। आप अगर आपको कुछ हो गया ना तो हमारी दिल की धड़कने रुक जाएंगी। तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। थैंक यू वाली रिकॉर्डिंग ना मैं अपने पास ही रखूंगी। वो कैसेट हमका दीजिए। काहे? आवाज हमरी है, हमका दीजिए। अलामों की बारात बेहोश हो गई बजते बजते, हमारे कान के पर्दे फट गए लेकिन आपकी आंखों के पर्दे नहीं खुले। जाने से खुश लग रहा है लेकिन मुझे एक अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है? प्लीज मम्मा, एक इशारा दिखा दो कि ये कदम उठाना सही है या नहीं, बस एक इशारा। हैंडल तो टूट गया, तो अब कैसे जा सकती हूँ मैं? केवल हैंडल टूटा है, वो तो जुड़ जाएगा, लेकिन अभी आपका यहाँ से जाना जरूरी है। चलिए। पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। अरे ओ, कहाँ चली तुम दोनों की सवारी? हाँ, बेटी लेके कहाँ जा रहे हो? समझ गए, आखिर तुम दोनों हनुमान के लिए जा ही रहे हो?
अरे पुष्पा भाभी हनुमान नहीं, हनीमून पे जा रहे हैं। अभी तो बोले हम हनुमान, हमको बताए काहे नहीं? हां अम्मा, ये पेटी में केवल इरावती जी के कपड़े हैं। वो कहा है कि ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं ना, इसलिए वो मायके जा रही है। मोरी मोरी गंगा मैया, बिटिया का हुआ बापू को? वो मोटी बा, वो उनको दमे की शिकायत थी ने, तो कुछ दिनों से वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ठीक है, चिंता नहीं करो, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ और हाँ, ये बार हमका रोज फोन करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी याद में हम बिस्तर पकड़ ले। मोटी बाब, हे दुल्हन, चिंता काहे कर रही हो तुम? हाँ तुम्हारे बापू ठीक हो जाएंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे ना। मुझे उनकी चिंता नहीं है मोटी बाब। तो फिर बस आपको गले लगाने का मन किया। जा अपने बापू के साथ कुछ दिन बिताओ, उनका तुम्हें जरूरत है बिटिया। हाँ मोटी बा, आप भी अपना ध्यान रखना, और ज्यादा ज्यादा चीखना खाना नहीं खाना, अने वो प्रेशर की दवाई लेते रहना। हाँ ठीक है। और नानी बा की बातों का टेंशन नहीं लेना। ए बेटुआ, ये का देखे हो? हाँ अंडा चूजे से कह रहा है कि ज्यादा चूचू नहीं करे। हाँ अम्मा हो तुम्हें अमरी। हाँ और हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हो, दो चार दिन के लिए तो जा रही हो। ये देखो भाभी भैया भी आ गए। नमस्ते मोटी बा। नमस्ते। चलिए इरावती जी, हम आपको नीचे छोड़कर आते। अरे तनिक रुको जरा, बहुत जल्दी है दुल्हन को बाहर ले जाने की। हाँ ये दुल्हन, मुरली मनोहर के यहाँ दिया जला लो अपने हाथों से। हे कान्हा जी, पुष्पा आंटी और अखिलेश को हमेशा खुश रखना, ये दोनों हमेशा मुस्कुराते रहे। इन दोनों मासूमों ने जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी हैं, इन्हें तकलीफों से बचाने के लिए अब मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी। अब अखिलेश और पुष्पा आंटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान। और भी जिम्मेवारियां हैं। बताए बेटा, चलो दुल। ओह बाय बाय यू लवली पीपल। लवली पीपल मतलब बहुत प्यारे लोग, अच्छे लोग। मोरी मोरी गंगा मैया, कहाँ हुआ आज, सूरज कहाँ से होगा? हाँ ये ना, जब मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, मैं बहुत अच्छे मूड में होती हूँ। यू सी, अरे ये सूटकेस किसका है? कौन घर छोड़ के जा रहे हैं? वो क्या है ना कि बहू के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कुछ दिनों के लिए वहां जा रही है। मैंने कहा था ना कि इंटरव्यू से पहले बेटा इरावती को बाहर भेजेगा घर से। नानी बा, अगर गलती से मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर देना। ओह सो मेनी मिस्टेक्स माय डियर, बट नेवर माइंड। Oh, it's okay, too much melodrama. Oh, okay. Behave तो ऐसे कर रही हो जैसे हमेशा के लिए जा रही हो। Come on, Sid. हम इतने lucky कैसे हो सकते हैं? पक-पक shopping नहीं जाना है? Of course. As we said earlier, bye-bye. Bye. Lovely people. Bye.
लखन चाचा, शाम की चाय आप मोटी बा के साथ ही पीना, उनको अकेले चाय पीने की आदत नहीं है ने? अरे बहू, दो चार दिन की तो बात है, लेकिन एक वादा करता हूं कि जब तक तुम वापस नहीं आ जाती, पुष्पा बाबे के साथ शाम की चाय में रोज पीऊंगा। चले इरावती जी, रिक्शा वाला भी आ गया होगा, भाभी जरा जल्दी है ना तुमका दुल्हन को भगाने के, का है? चलो बेटे आ जा। दुल्हन, जब दो ही चार दिन के लिए बाहर जा रही हो ना, तो अपने पति का आशीर्वाद लेना चाहिए, ये अच्छा सगुन होता है बेटे। हाँ, ये कहाँ कहाँ बोल रही आप अम्मा, ये की कोनो जरूरत नहीं। अब कहाँ बोले, हम नया जमाना है, चलो ठीक है ना ही लो आशीर्वाद, कम से कम एक दूसरे के गले तो लग सकते हो कि नहीं। हाँ एक आखिरी बार अखिलेश, पुष्पा आंटी की खुशी के लिए सी घबराहट हो रही है। तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? पक्का तुम्हें ये पैसे जमीन का सौदा करके ही मिल रहे हैं ना? हाँ। खा मेरी कसम। डॉक्टरी की पढ़ाई करी, कसम बसम से कब पर विश्वास करने लगी आप? अखिलेश, मैंने कहा ना मेरी कसम खाओ। ठीक है, लीजिए आपके सर की कसम खाते हैं, हमका ये जो भी पैसा मिल रहा है ना, ये जमीन की सौदा करके ही मिल रहा है, तो खुश है ना आप? जो और किसी चीज पर भरोसा हो ना हो अखिलेश, कि ना अखिलेश पांडे की कसम पर पूरा भरोसा है। सोचा नहीं था कि इस तरह यहां से चली जाऊंगी, शायद हमारा साथ यही तक था अखिलेश। पुष्पा आंटी का ख्याल रखना अखिलेश, ये शादी भले ही तुम्हारे और मेरे लिए एक दिखावा था, लेकिन पुष्पा आंटी के साथ मेरा जो रिश्ता जुड़ गया है वो एकदम असली है, उनका ख्याल रखना और हाँ अपना भी ख्याल रखना। तुम बहुत भोले हो, किसी की भी बातों में आ जाते हो, लेकिन देविना मैम की बातों में आने से पहले दो बार सोच लेना। आप काहे घबरा रही है? आपके कंधों पर ही मोटी मोटी किताबों का बोझ का कम हो गया है कि आप हमारे परिवार की जिम्मेदारियों को अपना बोझ समझकर लेके जा रही हैं?
इरा जी, अब हमका भी आदत डालनी होगी ना कि घर की जिम्मेवारी हम अकेले उठाए। अब आपकी आंखों में केवल एक ही सपना होना चाहिए, बड़ी डॉक्टरनी बनने का सपना। अच्छा, प्रॉमिस करोगे एटलीस्ट मिलने तो आया करोगे? अच्छा, कम से कम फोन तो कर लिया करो। अच्छा, कभी बीमार हुए तो एक पेशेंट के नाते ही सही। कहीं आपने हमारी फिर से दसबंदी कर दी तो? रिक्शा वेट कर रहा है। इरा जी, ये जो मंगलसूत्र आप पहनी है, ये की जरूरत नहीं होगी ना अब।